हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में 7.1। पिछले लेक्चर 10 में मैंने आपको 7.1 के सवाल एवं उदाहरणों को बताया था, फिर भी कुछ और सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको आज आप देखें। इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर चेन रूल, श्रृंखला नियम, यानी कि श्रृंखला नियम श्रृंखला नियम द्वारा अवकलज। तो उसमें एक हमने फ्लो चार्ट सा बनाया है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चंस मुझे दिया जा रहा है तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करें। किसका डिफरेंशिएशन करें? पावर का। इसके बाद मैंने लिखा फंक्शन का। पहले पावर का हो गया, मीन्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। तो पहले किसका करेंगे? पावर का। पावर के बाद किसका करेंगे? फंक्शन का। तो ये आपका फंक्शन हो गया, और उसके बाद भी यदि है तो दैट इज इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो एक छोटा सा मैंने इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट दिया है, इसकी सहायता से श्रृंखला नियम के बहुत सारे सवाल आप समझ सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार आप देखेंगे मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उनको आप ध्यान से समझेंगे। तो आज हम आपको कुछ और सवाल बताने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि यदि रह गया हो। तो एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल सेकंड का एक क्वेश्चन है, sec 10 अंडर रूट एक्स, इसमें डी डी एक्स ऑफ sec 10 अंडर रूट एक्स। जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें जो देखना होता है, जो आइडेंटिटी करनी होती है, सबसे पहले क्वेश्चन की आइडेंटिटी करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिटी, पहचान करें कि ये आखिर फंक्शन क्या तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर sec लिखा हुआ है और ये अंदर क्या लिखा हुआ है? टेन रूट एक्स। तो इसको क्या सपोज करना चाहिए हमें? एक्स। क्या सपोज करना चाहिए? x। और sec x बन गया। क्या बन गया? sec x। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू टेन x, sec x इंटू टेन x, दैट इज, अभी ये कंप्लीट नहीं हो गया, ये x नहीं है, तो इसका रीडिफ्रेंशिएट पुनः अवकलन किया जाएगा। तो किसका अवकलन करेंगे? जिसको आपने x सपोज किया हुआ है। यहां तक सबकी समझ में आ गया? sec 10 रूट x इंटू टेन टेन रूट x और इंटू, अब देखिए ये टेन x बन गया। क्या बन गया? टेन x। तो अब हम इसको भी सपोज कर लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले के व्याप पे अगर देखें तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है? टेन एक्स का। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिखेंगे वही, लेकिन रूट एक्स होने के कारण इसका पुनः रीडिफरेंशिएट होगा। तो यहां पर डी डी एक्स टेन रूट एक्स, तो इसका हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्या बन गया? सेक स्क्वायर रूट एक्स, और चेन रूल के हिसाब से डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। That क्लियर? sec 10 रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, और इंटू रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट आपको लिखा रखा है 1/2 रूट एक्स। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, इसको सही तरीके से लिख दिया जाए। हाँ, एक बात और समझ लें, कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, इसका एंगल जो है वो रूट एक्स है और इसका एंगल टेन रूट एक्स है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का भी बहुत महत्व होता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कहां पर किसका गुणा वगैरह करना है। तो इसके अपॉन में ये लिख दिया जाएगा, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों देखें 7.1 में जैसा कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, दसवां और ग्यारहवां, ये और बारहवां जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल है, पहले का थर्ड वो मैं करा चुका हूँ। तो इन क्वेश्चंस में जो मैंने एक आपको करा दिए हैं,
इनका आपको प्रयास करना है, बिल्कुल ईजी है। इसके अतिरिक्त मैं आपको 13 प्रश्न और बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो ए की पावर, आपने जो फॉर्मेट पढ़ा हुआ है वो किसका पढ़ा हुआ, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए, दैट क्लियर। अब आप देखेंगे इसी के हिसाब से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और आप देख रहे होंगे यहाँ एक्स नहीं है, चैन रूल तो फिट हो गई, तो चैन रूल का प्रयोग करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ, तो ए की पावर एक्स, एक्स क्या है टेन थ्री एक्स, और रीडिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टेन थ्री एक्स, दैट क्लियर। ए की पावर टेन थ्री एक्स, और ये फिर से देखें ये x हो जाएगा और ये 10 का करेंगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 3x, और एक बार और होगा, वैसे तो हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, सीख चुके हैं आप, और डी डी एक्स ऑफ 3x। तो a की पावर, हाँ एक बात देखें ध्यान से, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, a की पावर a की पावर x, और a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x और log, पूरा लिखना होगा हमें log a, एक a ही रहेगा a बेस e, और पुनः डी डी एक्स ऑफ tan 3x। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, a की पावर x log a, अब सही है, यहाँ a है, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिख देते, 5 होता तो 5 लिख देते। तो a की पावर x log a डी डी एक्स ऑफ tan 3x इंटू लॉग ए बेस ई, और 10 का हो गया sec स्क्वायर, क्या हो गया sec स्क्वायर 3x, और डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे 3x, ए की पावर 10 3x log a इंटू sec स्क्वायर 3x और इंटू 3, इसको सही तरीके से लिख दिया जाए 3 sec स्क्वायर 3x ए की पावर 10 3x और log a बेस e, यही आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। कहीं कोई डाउट, फिर से एक बार देख लें, a की पावर x का हमने जो फॉर्मेट लिखा a की पावर x log a बेस e, तो यहाँ पर a की पावर x log a डी डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, इसका करेंगे sec स्क्वायर और 3x का करेंगे तो 3, इसको सही तरीके से सजा कर लिख दें, यही आपका आंसर है, नोट कर लें। हाँ बच्चों देखेंगे, एक 14 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है एक्सरसाइज में, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब डी डी एक्स लगा होता है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, जब बाई लिखा हो तो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ ध्यान देंगे, फिर से देखेंगे, हम आपको फॉर्मूले बार बार इंगित कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग क्या है बेस ई, तो इसका मतलब क्या होता है 1/x, तो ये एक्स कवर करेगा, लेकिन ये x नहीं है तो रीडिफ्रेंशिएट होता ही जाएगा, तो यहां से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, अर्थात डी वाई डी एक्स 1/sec(x) प्लस के टेन एक्स, क्लियर है। और ये देखेंगे ध्यान से, तो log x, x माना ना मैंने इसको, तो ये x हो गया, लेकिन ये x नहीं है तो इसका रीडिफ्रेंशिएट डी डी एक्स ऑफ sec(x) प्लस टेन एक्स, यहाँ से 1/sec(x) और प्लस के 10x इंटू, ध्यान से देखेंगे अगर हम इनका डिफरेंशिएशन की बात करें तो sec(x) का क्या होता है sec(x) इंटू 10x, अभी पिछले क्वेश्चन में ही लिख के आया था, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, दैट क्लियर। ऊपर यहाँ से देखें इन दोनों में क्या कॉमन है sec(x), ये गणित की भाषा में आप कॉमन लेना, भिन्न हल करना, ये कैलकुलेशन बहुत ही मस्ट है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x, और यहाँ पर क्या शेष रहेगा sec(x) अपॉन क्या आएगा sec(x) प्लस के 10x, ये देखिए sec(x) प्लस 10x से ये sec(x) प्लस 10x कैंसिल हो गया, तो अपने पास एग्जैक्टली आंसर जो आया वो हो गया sec(x), दैट क्लियर। इसको भी नोट डाउन कर लें आप। हाँ तो बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं, 7.1 का लास्ट प्रश्न है, 15, बढ़िया प्रश्न है, मैंने लिख दिया है शानदार टॉप प्रश्न है। तो यहां पर सीधे सीधे आप देख रहे होंगे दो फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट
और इसको सेकंड, कौन सा नियम लगेगा? प्रोडक्ट रूल। कौन सा नियम? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल का प्रयोग कर दें। ठीक है, गुणा नियम, तो गुणा नियम लगाएंगे वही डी वाई डी एक्स, आराम से लिखते चलें। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया साइन क्यू एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन साइलेंट और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन क्यूब एक्स। क्लियर है बच्चों? डी वाई डी एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स, साइलेंट है ऐसा ही रहेगा, साइन थ्री एक्स, तो एक्स सपोज करके करेंगे तो साइन थ्री एक्स का क्या हो जाएगा? थ्री कॉस थ्री एक्स, क्योंकि साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री। अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि थ्री एक्स मैंने बताया था एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है गुणांक वो गुणा में आगे लिख दिया जाता है, प्लस साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स इंटू, अब ये देखो साइन क्यूब एक्स, मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूं, साइन क्यूब एक्स एज ए साइन एक्स का होल क्यूब, एक्स क्यूब क्या बन गया? एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का रीडिफ्रेंशिएट क्या होगा? कॉस एक्स। इस लाइन को आप अच्छी तरह से समझ लें, मैं आपको समझा दे रहा हूं, साइन क्यूब एक्स है ये क्या बन गया? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या हो गया? थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स और रीडिफ्रेंशिएट किसका करेंगे? साइन का, और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स यहां पर कुछ कॉमन यदि आ रहा हो तो हम ले सकते हैं। ध्यान से देखो, थ्री कॉमन है बिल्कुल है, यहां साइन स्क्वायर एक्स है, यहां थ्री है और यहां साइन क्यूब एक्स है, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी, मैं हर क्वेश्चन में आपको कह रहा हूं कॉमन लेना, सॉल्विंग सही से करना। यहां क्या बचा? ध्यान से देखें क्या बचा, थ्री तो कॉमन ही आ गया, थ्री कॉमन आ गया, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स इसमें से आ गया, तो यहां बचेगा साइन एक्स और यहां बचेगा कॉस थ्री एक्स, प्लस यहां क्या बचेगा? साइन थ्री एक्स, क्या बचेगा? साइन थ्री है और ये कॉमन आ ही चुका है, तो क्या बचेगा? कॉस एक्स। कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये कोई आइडेंटिटी है? हमने बता दिया ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, टी आई, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है बताएं? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मेट बन जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स, थ्री साइन स्क्वायर एक्स और क्या फॉर्मेट बन जाएगा? साइन एक्स प्लस थ्री एक्स। यहां पे कुछ बच्चे सवाल को अधूरा छोड़ सकते हैं और यहां पर सवाल पूरा होगा आपका इस तरीके से, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो गया? साइन फोर एक्स, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया, शानदार प्रश्न है, आप अच्छे तरीके से बच्चे क्या करेंगे? यही छोड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये चीजें आपको मर्ज करनी है, अपनी मेमोरी में डालनी है, अपनी दृढ़ शक्ति बढ़ानी है, जिससे कि हमें ये याद रहे और सवाल को हम बखूबी कर सकें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप। हाँ बच्चों, एक और प्रश्न देखेंगे, 7.1 से ही रिलेटेड है, ठीक है, चैन रूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू टू की पावर लॉग एक्स, तो 2 की पावर log x आइडेंटिटी करेंगे तो ये फॉर्मेट बनता है डी डी एक्स ए की पावर x, ए की पावर x log a, अभी मैंने कुछ देर पहले ही इस फॉर्मेट का प्रयोग किया था, तो आपको a मान के करना है
तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का टू की पावर लॉग एक्स, ए की पावर एक्स इंटू लॉग टू बेस ई, यही हो गया टू की पावर एक्स लॉग ए, लेकिन हमें किसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, लॉग एक्स बेस ई का, ये जो यहां लिखा हुआ है। तो यहां पर हमने देखा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू की पावर लॉग एक्स लॉग टू बेस ई इंटू एक बटे एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स। इसको सही तरीके से आंसर लिख देंगे टू लॉग एक्स लॉग टू बेस ई और अपॉन एक्स, यही आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया है, मैंने पिछले वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज उसमें हमने दी हुई है, आप उसको देखकर कर सकते हैं। यदि बुक्स आ गई हैं आपके पास तो बुक में देखें, अन्यथा मैंने उसको पिक डाल दी है, आप उससे कर सकते हैं। लगभग मैं जो भी चेन रूल के सवाल हैं वो मैंने पिछले दो या तीन लेक्चर से लगातार आपको अवगत कराया है, और भी मैंने जो प्रश्न थे वो बता दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करा दिए हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस अवश्य करते रहें, सूत्रों को अवश्य ही सीखते रहें, क्योंकि पिछले फॉर्मूले ही हमारे काम के हैं। जितना भी डिफरेंशियल है मैंने पहले बता रखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलों के बिना नहीं चलने वाले, आगे और इनवर्स के काफ़ी कुछ फॉर्मूले आएंगे, तो आप उसको लगातार करते रहिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज अर्थात हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन MOD के बारे में बताएंगे, इससे आप तैयार रहेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को तैयार करें, जो भी वर्क है उसको पूरा करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।